अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर आलू गोश्त की रेसिपी। और ये एक व्यूवर्स रिक्वेस्ट थी और मटर का सीज़न अभी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ और राइस के साथ। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें ऐड कर देंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 1 स्टार फूल, 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता और कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। मटन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया है और ये मैंने 400 ग्राम मटन लिया है जिसमें मैंने कलेजी भी ली है। तो अगर आप साथ में कलेजी नहीं पसंद करते हैं तो आप उसकी जगह पर पूरा मटन भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मटन को। और 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला। तो ये मैंने 8 से 10 कली लहसुन की, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 1/2 कप हरा धनिया लिया था जिसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी भी ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। और अब हम इसे तेल रिलीज़ होने तक भून लेंगे। तेल रिलीज होने तक देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम फिर से इसमें ऐड करेंगे ताकि ये मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से हम तेल छूटने तक फिर से इसे भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे ढककर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मटन जो है वो नीचे लगे ना। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट बाद मैंने चेक किया है, हल्का हल्का पानी है इसमें। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। ये हल्का हल्का जो तेल है वो ऊपर आने लगा है तो मतलब हमारा मटन जो है वो अच्छे से भुन रहा है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है वो जो बारीक कट कर लिया है। और साथ में ऐड कर देंगे हम 1/2 कप दही। ये 50 ग्राम मैंने दही ली है जिसे अच्छे से बीट कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब दही और टमाटर भी पानी रिलीज़ करेगा तो हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है।
तो अब हम इसे तेल छूटने तक पूरा पकने देंगे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने पकने दिया था लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और देखिए अच्छी तरह से जो है वो मसाला भुन गया है, गोश्त भुन गया है, गोश्त टेंडर भी हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से आधे मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट मैंने भून लिया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को 2 हिस्सों में टुकड़े कर लिए हैं और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मटर। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और लगभग हम इसे फिर से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक अच्छे से आलू और मटर को भी मसालों के साथ भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर हम फिर से ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास जितना पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त तो हमने पहले ही थोड़ा गला लिया है तो हमें गोश्त को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस आलू मटर पक जाए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए उतनी आ जाए उतना ही हमें पकाना है। तो हम इसे पकाएंगे फिर से ढककर 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और ये देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने पका लिया है। और आलू मटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं और गोश्त भी। ये देखिए इतना हमें पका लेना है ताकि आलू मटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया कटा हुआ और मिक्स करेंगे। और बहुत ही डिलीशियस हमारा आलू मटर गोश्त बनकर तैयार है। आप इस विंटर में ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसे ढककर रखेंगे गैस की फ्लेम बंद करके ताकि इसमें अच्छे से तरी आ जाए और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और हमने देखिए सर्व कर लिया है। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।